हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, और जब हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने आपको सबसे पहला अजम्पशन बताया था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिर्फ तभी काम करता है जब आपके डेटा में लीनियर बिहेवियर है, राइट? अगर डेटा नॉन लीनियर है तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन उतने अच्छे से बिहेव नहीं कर पाता, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। इन दैट केस आपको कुछ और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, SVM, राइट? बट मैं आज आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिसको यूज करके इफ यू वॉन्ट आप नॉन लीनियर डेटा के ऊपर भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, लेट्स से हमारे पास एक डेटा सेट है जहाँ पे हमारे पास तीन कॉलम्स हैं, X1, X2 और Y, जहाँ पे X1 और X2 हमारे इनपुट कॉलम्स हैं और Y जो हमारा है वो आउटपुट कॉलम है, 0 या 1। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यू कैन क्लियरली सी कि हमारे डेटा में जो रिलेशनशिप है वो नॉन लीनियर है, राइट? सो अगर हम इसके ऊपर लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करेंगे हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं, क्या कोई ट्रिक है जिसको यूज करके हम थोड़ा बेहतर रिजल्ट ला पाए? द आंसर इज येस। और आपने कुछ दिन पहले ही जब आप लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने पढ़ा था पॉलीनोमियल लीनियर रिग्रेशन। आप एग्जैक्टली वो टेक्निक लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे भी अप्लाई कर सकते हो। सो इफ यू रिमेंबर, आपको क्या करना होता है, आपको फॉर एवरी फीचर ऑफ योर्स यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री whatever you choose. So let's say आपने degree choose किया to be equal to 2. In that case, आप अपने data set को कैसे convert करोगे? For x1, you will have new columns, x1 to the power 0, x1 to the power 1, and x1 to the power 2. Similarly, for x2, you will have x to the power 0, x to the power 1, and x to the power 2. मतलब पहले जहां आपका shape दो कॉलम्स का था, अब वो 6 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वाई अभी भी वैसा ही रहेगा, वाई में कोई चेंजेस नहीं होंगे। और जैसे ही आप ये ऐड करोगे, नाउ फॉर ईच ऑफ द कॉलम्स यू विल फाइंड 1 कोफिशिएंट। सो इसके लिए W1, इसके लिए W2, इसके लिए W3 एंड सो ऑन, इसके लिए W6 और एक W0 आपका इंटरसेप्ट भी रहेगा। अब आप जैसे ही ये पॉलीनोमियल फीचर्स इंट्रोड्यूस करोगे आप नॉन लीनियर डेटा के ऊपर काम कर पाओगे, ठीक है? जितना ज्यादा आप डिग्री बढ़ाते जाओगे, जैसे अगर आपने डिग्री इक्वल टू 3 कर दिया, देन यू विल हैव 4 कॉलम्स पर इनपुट कॉलम, एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 1, एक्स टू द पावर 2 एंड एक्स टू द पावर 3, ठीक है? और आपको इसमें शायद याद होगा जब आपने लीनियर रिग्रेशन में पढ़ा था, आपको मैंने वहां पे बताया था कि जितना आप डिग्री बढ़ाते हो उतना ओवरफिटिंग का केस हो जाता है और जितना आप घटाते हो उतना अंडरफिटिंग का केस हो जाता है। सो अगर आपके पास इस तरह का नॉन लीनियर डेटा है, आप अलग अलग डिग्री वैल्यूज के लिए चेक कर सकते हो कि आपका आउटपुट कैसा आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे थ्योरी में और कुछ खास डिस्कस करने के लिए नहीं है। अगर अगर आपको इतना आइडिया नहीं है पॉलीनोमियल फीचर्स कैसे अप्लाई किया जाता है, मैं उस पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार वो देख सकते हो। इस वीडियो में आई विल शो यू इस डेटा सेट के ऊपर कैसे हम पॉलीनोमियल फीचर्स लगा के लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको दोनों केसेस बताऊंगा। शुरू में मैं आपको डिग्री इक्वल टू 1 एज इन विदाउट एनी पॉलीनोमियल फीचर्स लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा के दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको अलग अलग डिग्रीज के लिए लगा के दिखाऊंगा, एंड यू वुड सी कि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा जैसे जैसे आप डिग्री को बढ़ाते हो, ठीक है? सो लेट मी स्विच बैक टू कोड। सो यू कैन सी ये कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, बहुत ही सिंपल सा कोड है। पहले मैंने सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है, उसके बाद मैंने अपने डेटा सेट को इंपोर्ट किया है। दिस इज माई डेटा सेट, एक्स वाई मेरे दो इनपुट कॉलम्स है, क्लास मेरा आउटपुट कॉलम है। उसके बाद मैंने एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट कर लिया है और डेटा को प्लॉट किया। एग्जैक्टली यही डेटा मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। अब मुझे इसके ऊपर लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाना है। सो मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लास को इम्पोर्ट करके उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक्स और वाई पास करके मैंने अपने मॉडल को ट्रेन किया, और यहाँ पे ये रहा इस मॉडल का डिसीजन बाउंड्री। सो यू कैन सी लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमेशा लाइन ड्रॉ करेगा। अगर आप नॉर्मल लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा रहे हो तो एक लाइन ड्रॉ करके डेटा को क्लासिफाई करने का ट्राई करेगा, एंड यू कैन सी दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर प्लेस, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि मिस क्लासिफिकेशन हो रहे हैं। देर आर सर्टेन ऑरेंज पॉइंट्स,
जो ब्लू रीजन में है एंड देर आर सर्टेन ब्लू पॉइंट्स जो ऑरेंज रीजन में है. सो मैंने क्या किया, मैंने एक बार एक्यूरेसी स्कोर भी निकाला एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 83% राइट नाउ. 83% का एक्यूरेसी है. नाउ द क्वेश्चन इज कैन वी इम्प्रूव इट एंड द आंसर इज येस. हम क्या करेंगे, हम पॉलिनोमियल फीचर्स क्लास को इम्पोर्ट करेंगे फ्रॉम प्री प्रोसेसिंग. हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे पोली बोल के, हम डिग्री देंगे 3 और इंक्लूड बायस आप फॉल्स रखो ट्रू रखो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, और हम अपने एक्स को ट्रांसफॉर्म कर देंगे यूजिंग फिट ट्रांसफॉर्म. ठीक है, ये कोड को मैंने जैसे ही चलाया और फिर मैंने एक्यूरेसी निकाला, यू कैन सी मेरा एक्यूरेसी इंप्रूव हो गया एंड नाउ इट इज गिविंग मी एन एक्यूरेसी ऑफ 90%. सो मैंने क्या किया, इस चीज को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए खुद का एक फंक्शन बना लिया, प्लॉट डिसीजन बाउंड्री, जहां पे आप 3 चीजें प्रोवाइड करोगे, एक्स वाई और डिग्री. डिग्री का डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, मतलब अगर आप डिग्री प्रोवाइड नहीं करोगे तो नॉर्मल वाला लॉजिस्टिक रिग्रेशन अपने आप लग जाएगा, अगर आप डिग्री प्रोवाइड करोगे तो फिर वो डिग्री का लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगेगा. ठीक है, अंदर का कोड बहुत सिंपल है, पोली ऑब्जेक्ट बनाया है, एक्स को ट्रांसफॉर्म किया है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बना के एक्स ट्रांसफॉर्म के ऊपर डेटा को चलाया है और आगे का कोड मैंने ग्राफ प्लॉट करने के लिए किया है. सो वहां पे इट्स ओके, कुछ ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, आप इस कोड को डायरेक्टली यूज कर सकते हो. एंड सबसे पहले मैंने आपको विदाउट डिग्री का वैल्यू भेजा, नॉर्मल लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ये एग्जैक्टली वही कर्व है जो आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई दिया था, दिस एंड दिस इज एग्जैक्टली सेम. यू कैन सी द एक्यूरेसी इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 0.83. ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने डिग्री को थोड़ा बढ़ाया और ये देखो गाइस, दिस इज डिग्री इक्वल टू 2. नाउ दिस इज नॉट अ लाइन, ये एक सिंगल लाइन नहीं है, सिंस हमने पॉलिनोमियल फीचर्स इंट्रोड्यूस कर दिए, अब ये कर्व है, एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है. ठीक है, बट अभी भी कुछ खास एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं हुआ है, अभी भी हमारे येलो पॉइंट्स मिसक्लासिफाइड और कुछ ब्लू पॉइंट्स मिसक्लासिफाइड है. सो मैंने क्या किया, मैंने डिग्री बढ़ाया और डिग्री को 3 कर दिया, और डिग्री को 3 करते ही यू कैन सी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है. नाउ दिस कर्व इज एक्चुअली फिटिंग मच बेटर देन द लाइन दैट वी हैड इन द केस ऑफ डिग्री इक्वल टू 1. एक्यूरेसी भी बढ़ के 0.9 हो गया. और उसके बाद मैंने और 4 के लिए ट्राई किया, कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है. 5 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, ये शायद ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा नए डेटा के ऊपर. 6 भी कुछ खास नहीं था. 7 मैंने जितना नोटिस किया इस डेटा के ऊपर, जितने ऑड नंबर्स थे उसमें अच्छा इंप्रूवमेंट था. फिर मैंने 25 पे चलाया तो कुछ खास नहीं मिला मुझे, और ये ओवरफिटिंग होने लग गया. ठीक है, एक छोटे छोटे पॉइंट के पीछे भागने लग गया. तो आई गेस 3 या 5 आप बोल सकते हो सबसे ऑप्टिमम वैल्यू है जिसपे आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. ठीक है, तो इन शॉर्ट बहुत ही छोटा सा ये वीडियो है, बट अगर आपको कभी भी नॉन लीनियर डेटा मिले और आपके पास सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन है अप्लाई करने के लिए, तो आप सिंपली पॉलिनोमियल फीचर्स को कॉल करके फीचर्स को ट्रांसफॉर्म कर दो और लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा दो. आपको जनरली वेनिला नॉर्मल लॉजिस्टिक रिग्रेशन से बेटर रिजल्ट्स इस केस में मिल जाएंगे. बट अगर डेटा थोड़ा और नॉन लीनियर है तो इन दैट केस लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको बाकी के एल्गोरिदम्स देते हैं. दैट इज वाई नॉन लीनियर एल्गोरिदम्स के केस में ये टेक्निक उतना यूज नहीं किया जाता. इट्स जस्ट कि हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सब चीजें बताना चाहता हूँ, तो ये भी एक टेक्निक है जो आप अप्लाई कर सकते हो. बट जनरली जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, रियल वर्ल्ड नॉन लीनियर डेटा सेट्स के ऊपर ये टेक्निक से ज्यादा अच्छा डिसीजन ट्री या रैंडम फॉरेस्ट परफॉर्म कर जाता है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती. बट अगेन फॉर नॉलेज सेक हमने ये पढ़ लिया. ठीक है, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको पॉलिनोमियल रिग्रेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आप वो वीडियो चेक करना जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.